व्यापार इससे सीईओ की जर्नी पांच स्टेशन से गुजरती है। तो पहला स्टेशन वही जहां पे आप खड़े हैं, व्यापारी, सेल्फ एम्प्लॉयड, फिर मैनेजर लेवल आता है, फिर आता है बिजनेस ओनर, फिर आता है एंटरप्रेन्योर, और लास्ट में पहुंचते हो जिसने कहा था ना किसी ने कि जहां पैसा आपके लिए काम करे, ये पांचवा लेवल है, पैसा आपके लिए काम करता है। चौथा लेवल है लोग आपके लिए काम करते हैं। अब देखते हैं क्या 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 होता है। सेल्फ एम्प्लॉयड का मतलब होता है ऑल इन वन, चपड़ासी टू चेयरमैन। अपन को लिखना चाहिए सी टू सी, क्या है ये? बोले चपड़ासी टू चेयरमैन हम। बोले सीईओ कौन? बोले मैं। फाइनेंस कौन देखता है? बोले मैं। अरे मार्केटिंग कौन देखता है? बोले मैं। एचआर? अरे मैं। कस्टमर केयर? अरे मैं। कंप्लेन? मैं। अत्र तत्र सर्वत्र वो होता है व्यापारी, जो हर जगह बैठा है ना, वो है व्यापारी। कहता भाई तो पूछो तो सही, इस लोक में, उह लोक में, नीचे लोक में, पृथ्वी, पाताल, अग्नि, सब जगह मैं तो हूं। और वो तीन तरह के काम करता है। प्लानिंग मैं ही करता हूं, मैनेज बोले वो भी मैं ही करता हूं, और काम बोले वो भी तो मैं ही करूंगा, कौन करेगा। ये बिजनेस की पहली स्टेज है। इसमें कभी ये मत सोचना कि अरे यार मेरे साथ चोट हो गई, मेरे साथ गलत हो गया ना। ये बिजनेस की पहली स्टेज है। ऐसा कोई भी व्यापारी आज तक पैदा ही नहीं हुआ जो इस स्टेज से न गुजरा हो। धीरू भाई अंबानी सेम स्टेज, छुरा, छोटी सी दुकान थी 50 स्क्वायर फुट, एक बार में चार आदमी नहीं खड़े हो सकते थे। ये जे बिजोस, आपने फोटो देखी हुई 99 में टेबल लटा के अकेला ही बैठा था। एलन मस्क, स्टीव जॉब्स, आप नाम बोलो ना, कोई भी ऐसा व्यापारी जिसने बिजनेस चालू किया खुद ने अपने दम से, फर्स्ट जनरेशन, मुकेश अंबानी नहीं है, उनको मिल गया, लेकिन धीरू भाई अंबानी है। हर व्यक्ति ने चालू तो भैया ऐसे ही किया था, और ऐसे ही करना पड़ता है, ऑप्शन कोई नहीं है। दिक्कत बताऊं क्या है? दिक्कत क्या है? हमेशा यहां रह जाना। सर ये जो सेल्फ एम्प्लॉय की स्टेज है ना, ये आपको कंफर्ट भी दे देगी, ये आपको पैसे भी दे देगी, फ्रीडम नहीं देगी। ट्रेन में अब दूसरा स्टेज आता है मैनेजर का, जहां आदमी कहता भाई जी मैंने क्या करा पता है क्या? मैंने एम्प्लॉय रख लिया। पहले मैं क्या था पता है? अत्र तत्र सर्वत्र था, 10 डिपार्टमेंट संभालता था। अब मैं क्या है, 7 डिपार्टमेंट पे आदमी आ गए। पहले मैं क्या सेल देखता था, पर अब नहीं देखता, सेल्समैन है अपने पास। पहले फाइनेंस देखता था, अब नहीं देखता, अब अपने पास अकाउंटेंट है। प्रोडक्शन देखता था, अब नहीं देखता, एक आदमी है अपने पास। और अपने हर काम के लिए आदमी रख लिया, आदमी रख लिया। अब काम है ना, ये टाइपो है, 3 टाइप नहीं, 2 टाइप के काम करता है। पहले क्या करता था, प्लान भी करता था, मैनेज भी करता था, और करता भी था। अब करना छोड़ दिया उसने ना, अब नहीं करूंगा, अब प्लान करूंगा और मैनेज करूंगा, बाकी तुम करोगे काम, मैं सिर्फ देखूंगा। और ऐसा करने से आप फ्री हुए थोड़ा सा, पहले 10 करते थे ना, अब 7 ही, आप 3 ही करते हो, 7 दे दिए, थोड़े से फ्री हुए। दुकान से फ्री नहीं हो अभी तक, और ना बिजनेस से फ्री हो, थोड़ा सा काम हल्का हुआ है, लेकिन हो। लेकिन इस स्टेज पे आने के लिए भी है ना सिस्टम चाहिए। सिस्टम मतलब कौन करेगा, क्या करेगा, कैसे करेगा, कब करेगा, ये सारी चीजें अगर वो आपसे पूछे बिना कर लेगा तो बहुत सही जगह पे आ गए। पर अगर आपने सिर्फ हायरिंग करके आदमी रख ली और सिस्टम नहीं बना पाए, तो सर आप ऐसे क्लासिक ट्रैप में फंसोगे ना। ये कह रहा हूं, ये फर्स्ट स्टेप से भी बुरी हालत है। ये कहते हैं ना कि जब भी वो दुकानदार स्टेज 1 से स्टेज 2 में आता है ना, उससे स्टेज 2 बैठती नहीं है, वापस वहीं चला जाता है। ये स्टेज 2 कौन सी है? जहां पे आप एम्प्लॉय रखते हो, उनको ट्रेन करते हो, उनको पैसे देते हो, और काम खुद ही करते हो। कि सर जी हायर भी मैंने किया है, पैसे भी मैं ही दे रहा हूँ, ट्रेनिंग भी मैं ही दे रहा हूँ, कर मैं रहा हूँ। सेल्समैन है, फिर भी मैं सेल्स में लगता हूँ। अकाउंटेंट है, फिर भी मैं अकाउंट्स करता हूँ। प्रोडक्शन है, फिर भी मैं अकाउंट्स करता हूँ। क्योंकि अभी आप सिस्टम एंड प्रोसीजर ढंग से नहीं बता पाए, वो कुछ 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 कर देता है, पर लास्ट में तो भैया अपने को ही कूदना पड़ता है। और अगर ये ढंग से मैनेज नहीं हुआ तो हम झूलते रहते हैं स्टेज 1 और स्टेज 2 के बीच में, जहां एम्प्लॉय है तो सही, पर काम नहीं करते भाई साहब, क्या करें। थर्ड स्टेज, ये सुपर इंटरेस्टिंग स्टेज। आपने क्या किया, मेरे पास राहुल जी लोग भी बढ़िया आ गए, मेरे पास सिस्टम भी बढ़िया आ गए, काम भी बढ़िया हो रहा है, मेरा ऑफिस है ना 10-20-25 साल से चल रहा है, मेरे पास क्या आदमी है हर डिपार्टमेंट में। सेल्स में गुप्ता जी संभाल लेते हैं, परचेज शर्मा जी संभाल लेते हैं, प्रोडक्शन में खंडेलवाल साहब है, और हमारे अकाउंट्स में जैन साहब देख रहे हैं, कोई दिक्कत ही नहीं, सारा काम सब शांत है, 20-20 साल पुराने आदमी है, सबको सब आता है। राहुल जी मेरे को किसी को बताने की जरूरत नहीं है, मैं तो एक ही काम करता हूँ, प्लानिंग। आप नोटिस करना, जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हैं ना, आपके काम कम हो रहे हैं।
पहले तीन करते थे, प्लान मैनेज डू, प्लान भी में मैनेज में डू, दूसरे में क्या करने लग गए, प्लान और मैनेज, डू चला गया, और बड़े हुए क्या हुआ, मैनेज भी चला गया। बोले सर मैं प्लान करता हूँ, सब काम अपने आप हो जाता है, लेकिन बताऊँ जीवन में दिक्कत क्या है, मैं काम से फ्री हुआ हूँ, ऑफिस से नहीं। यार ये कोई अलग अलग चीज होती है क्या सर, काम से फ्री होना ऑफिस से? हाँ होती है, ये तो सर काम तो मैं एक ढीले का भी नहीं करता, लेकिन ऑफिस जाना अभी भी जरूरी है भाई साहब, क्योंकि जाके काम में ही बांटता हूँ और उनके जो प्रॉब्लम होती है वो भी मैं ही सॉल्व करता हूँ, और हर काम में ना अप्रूवल मेरी लगती, तो मैं ऑफिस में जाके मनमोहन सिंह मोड में बैठ जाता हूँ। तो वहां जाके वो एम्प्लॉय आता है, सर ये कर लूं क्या? हाँ सर ये कैसे हो गया, ये करूं क्या? ना, मैं ऑफिस जाके सिर्फ गर्दन हिलाता हूँ हाँ और ना, पर ऑफिस तो जाना ही पड़ेगा सर मुझे, बिना ऑफिस गए तो पार ही नहीं पड़ रही। सबको सब आता है, मतलब शर्मा जी को सेल्स में सब कुछ आता है, पर करेंगे तभी जब मैं जाऊंगा यार। गुप्ता जी को प्रोडक्शन में सब आता है, पर मैं जाके खड़ा होता हूं तो स्पीड आ जाती है, और मैं हट जाता हूं तो स्पीड चली जाती है, ये कौन सा हो गया? सर आपकी हालत इनविजिलेटर जैसी हो गई है, जिसको क्लास में आके सिर्फ पेपर बांटने और खड़े रहना है, बच्चे अपने आप एग्जाम देंगे और फिर आप चले जाओगे, लेकिन अगर बीच क्लास में एक सेकेंड बाहर निकल गए ना पानी पीने, तो बच्चे कोहराम मचा देते हैं। तो आपको लगता है कि राहुल जी मैं ऑफिस जाता हूँ, अब आप ऑफिस क्यों जाते हो पता है? लेवल थ्री वाले ऑफिस क्यों जाते हैं? लेवल थ्री वाले ऑफिस इसलिए जाते हैं क्योंकि ये एम्प्लॉई केयर एग्जीक्यूटिव है। एक होता है कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव, फोन लेके बैठा है, घंटी बजती है, ये सर कंपनी से बोल रहे हैं हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं। उसी प्रकार आप अपने केबिन में जाके बैठते हो और आपके केबिन में हर 15 मिनट में एक आदमी आता है और पूछता है हाँ भाई साहब ये दिक्कत हो गई, और आप कहते हैं आइए केबिन में बताइए हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं। आप एम्प्लॉई केयर एग्जीक्यूटिव बन के ऑफिस में बैठे हैं। अब आता है लेवल फोर, मोक्ष। ये बिजनेसमैन का मोक्ष होता है, टाइम लगता है लेकिन पहुंचता है, और जो यहां पहुंचता है उसको मोक्ष प्राप्ति होगी, वो बन गया बिजनेसमैन। वो कहता है भैया मैंने ना सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप तो डेवलप कर ही रखी है, मेरे पास शर्मा जी, गुप्ता जी, जैन साहब, खंडेलवाल साहब सब हैं और सारे डिपार्टमेंट सेटल्ड हैं, लेकिन उनके बेसिस पे ही नहीं है। मैंने क्या कर दिया, मैंने गोल्स बना दिए, मैंने 5 साल का लक्ष्य बना दिया, उसको 1 साल में बांट दिया, और एक एक डिपार्टमेंट का लक्ष्य शर्मा जी को शर्मा जी का टारगेट समझा दिया, साल का भी, महीने का भी, डेली का भी, हफ्ते का भी, और शर्मा जी को भी समझा दिया, गुप्ता जी समझा दिया। तो मैंने मुंह से नहीं समझाया, वर्बल बात नहीं करता मैं, मैंने डॉक्यूमेंट बना दिया, मैंने कागज बना दिया, और मैं रोज रोज की बात नहीं कर रहा हूं, मैंने एक बार ही 12 महीने का एक साथ दे दिया, इस महीने का टारगेट ये, इस 3 महीने का टारगेट ये, इस साल का टारगेट ये, सबके तो मैंने टारगेट बांट दिए, सब हर आदमी को अपना टारगेट पता है, हर आदमी को अपना काम पता है, और करना कैसे है ना ये भी लिख के दे दिया, पॉलिसी बना दी, एचआर में छुट्टी की पॉलिसी ये, अटेंडेंस की पॉलिसी ये, कॉल करने की पॉलिसी ये, मार्केटिंग की पॉलिसी ये, जो जो काम मैंने आज तक करे ना मैंने वर्बल नहीं रखे, मैंने तो कागज बना बना के दे दिया और सबको कर दिया ट्रेन। अब हर आदमी को पता है क्या करना है और कैसे करना है, तो मेरे को रोज रोज बताने की जरूरत नहीं है। मेरे पास तो आते हैं महीने में एक बार, पूछते हैं इस महीने हम ये सोच रहे हैं, मैं कहता हूँ यस और नो, आगे बढ़ जाता हूँ। मैं महीने में एक बार देखता हूँ, लेकिन महीने में एक बार मिलता हूँ, MIS तो रोज आती है, मुझे डेली का सेल्स, डेली की कैश, डेली की समस्या सब पता है, वीक की भी पता है, मंथ की भी पता है, देखता तो मैं रोज रहता हूँ, करता कुछ नहीं और ऑफिस भी जाता नहीं, मेरा काम बीतता है काम से दूर, ऑफिस से दूर, मैं ग्रोथ पे फोकस करता हूँ। लेवल 5 होता है राहुल जी, मोक्ष से ऊपर क्या होता है, मोक्ष से ऊपर होता है इन्वेस्टमेंट। अब आपके पास धंधा, आपको फॉर्मूला तो आ ही गया धंधा कैसे सेट करते हैं, तो जिसने भी धंधे ने एक धंधा का फॉर्मूला सेट कर लिया वो एक में कभी टिका ही नहीं, क्योंकि ये तो हॉबी है, ये तो हैबिट है, ये तो मजा है। अगर आपने 20 साल लग गए चाहे, पर एक बिजनेस सेट हो गया और आपको ऑटो पायलट आता है कि मैं तो बैठा हूँ काम अपने आप चल रहा है, तो आप टिकोगे नहीं घर पे, दूसरा कर लोगे, तीसरा कर लोगे, चौथा कर लोगे। जो सक्सेसफुल है ना वो एक ही बिजनेस से सक्सेसफुल था, पर 10 साल में 10 और खड़े कर लिए। क्योंकि बताऊँ क्या होता है, जब आप सक्सेसफुल होते हो तो लोग आते हैं, एक आएगा रमेश जी का बिजनेस है, रमेश जी का रियल स्टेट का बिजनेस है, ऑटो पायलट पे चलता है, बढ़िया कमा रहा है, रमेश जी का ज्वेलरी का बिजनेस है, अच्छा काम कर रहा है। एक बंदा आएगा, अरे भाई साहब भाई साहब भाई साहब अपन एक रेस्टोरेंट खोलने क्या, आइडिया कौन लेके आया, दूसरा, भाई साहब खोलने क्या, दूसरा आदमी आइडिया लेके आ जाएगा, तीसरा आदमी बोलेगा अच्छा रमेश जी अगर आप पैसा लगा रहे हो ना रेस्टोरेंट में तो 10-20 पेटी हम भी लगा देंगे,
50% पार्टनरशिप मेरी भी डाल दो, आपके साथ धंधा करना है, तो पैसा लेके दूसरा आ जाएगा। और तीसरा आदमी बोलेगा, अच्छा भाई साहब आप ये काम कर रहे हो तो संभाल मैं लूंगा, मेरे को बहुत अनुभव है। तो जब आप एक बिजनेस सफल हो जाते हो और एक्सप्लोर करते हो ना, तो आइडिया कोई लेके आता है, पैसा कोई लेके आता है, एग्जीक्यूशन कोई लेके आता है, आप बस उसका कनेक्शन बिठाते हो और गुडविल के पैसे जीतते हो। ये होता है पांचवा लेवल। तो मॉरल द स्टोरी सर क्या है पता है आपको, जितना कम करोगे ना उतना ज्यादा कमाओगे। डेविड डी रॉकफेलर जो बंदा है ना, उसने एक बात कही थी इंटरेस्टिंग, कि अगर तुम सुबह शाम काम ही करते रहोगे तो पैसा कब कमाओगे, क्योंकि काम से तो पैसा आता ही नहीं है। बोले यार ये तो, बोले मजदूर काम, मजदूर पैसा क्यों नहीं कमा पाता, लेबर बोले वो करता ही रहता है सुबह से शाम तक, 10 बजे उठा के कच्ची, उसके हाथ फ्री होंगे तब तो दिमाग चलेगा। सर वो ब्रेन है ना बहुत अलग तरीके से फंक्शन करता है, जिसके हाथ चलते ना उसका दिमाग नहीं चलता, और जिसका दिमाग चलता है ना वो हाथ चलाना पसंद नहीं करता। गौर से देखो, हमारा जो कार्यकर्ता है ना मेहनती, वो लीडर नहीं बन पाते बेचारे, कार्यकर्ता ही करते रह जाते हैं जीवन भर। वो जो लीडर होता है ना वो लीडर ही रहता है, काम उसको करने की जरूरत नहीं पड़ती, हर जगह ही वो लीडर बना पड़ा है, क्योंकि जितना कम हाथ चलेंगे ना उतना ज्यादा दिमाग चलता है। तो बिजनेस, और ऐसा नहीं कि बिना हाथ चलाए ऐसे दिमाग चलाते रहो, नहीं, बिजनेस बिल्ड करने में स्टेप वन में हाथ लगाओ, स्टेप टू से दिमाग बढ़ाते जाओ हाथ घटाते जाओ, लेवल 4 मोक्ष वहाँ है जहाँ दिमाग चलता है हाथ कम चलता है। कंप्लीट वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, आई होप मेरे वीडियो आपको पसंद आ रहे होंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि राहुल जी बिजनेस रिलेटेड मेरे बहुत सारे इश्यूज हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, मैं एम्प्लॉय के बारे में और डिटेल में जानना चाहता हूं, सेल्स के बारे में और डिटेल में जानना चाहता हूं, फाइनेंस को समझना चाहता हूं, माइंडसेट को मजबूत करना चाहता हूं, आपका मैं साथ चाहता हूं और डिटेल में, तो मैं हर संडे 10 बजे से लेकर 2 बजे तक एक 4 घंटे की वेबिनार करता हूँ व्यापारी टू सीईओ, जिसमें मैं बताता हूँ कि व्यापारी, छोटा व्यापारी क्या क्या गलतियाँ करता है, क्या क्या मिस्टेक करता है जिसकी वजह से वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है, और बड़े सीईओ कौन सी स्ट्रेटजी, कौन से टिप्स, कौन से मंत्र फॉलो करके यहाँ तक पहुँच गए, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है और यहाँ जाने का रास्ता क्या है, वो आपको डिटेल में सीखने को मिलेगा। तो इसमें रजिस्ट्रेशन करने का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो जाइए उसको रजिस्ट्रेशन कीजिए, क्लिक कीजिए, और मिलते हैं संडे को 10 बजे, तब तक के लिए धन्यवाद। चाहिए।